कैसे हो आप लोग? टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सब्जेक्ट कंप्यूटर। आप क्लास फर्स्ट, योर चैप्टर नेम इज अ कंप्यूटर इज अ मशीन। कंप्यूटर क्या है? मशीन है। ये आपके चैप्टर का नाम है। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? कंप्यूटर इज अ मशीन। की कॉन्सेप्ट चावल वगैरह दाल कुछ भी बनाते हैं तो क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर
अगर हम प्रेशर कुकर में वही चीज़ बनाते हैं तो क्या होता है, टाइम हमें कम लगता है। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है, सॉरी प्रेशर क्या है, प्रेशर कुकर क्या है बेटा, एक मशीन है जिसमें खाना जल्दी पकता है। एंड वॉच क्या है, वॉच भी एक मशीन है जिसमें हम क्या करते हैं, टाइम देखते हैं। एंड अ शार्पनर शार्पनेस अ पेंसिल, शार्पनर आप सब यूज करते हो अपने पेंसिल को शार्प करने में। आज तक आपको पता था कि जो शार्पनर यूज करते हो ये क्या है, एक मशीन है, नहीं पता था ना, अब पता हो गया आपको कि शार्पनर क्या है, एक मशीन है। ओके बेटा, एंड अ टेलीफोन हेल्प अस टू टॉक वन अनदर, टेलीफोन भी क्या है, एक मशीन है जिसको हम किस लिए यूज करते हैं, एक दूसरे से बात करने के लिए। ठीक है बेटा, देखिए अब ये दिख रहा है आपको, इसमें है चेक योर प्रोग्रेस, मतलब आपने जो पढ़ा है अब तक उसको आप कितना समझ पाए हैं इसको चेक करना है। जैसे विच पिक्चर शो अ मशीन बीइंग यूज्ड बाय राइट यंग इन द सर्किट, कह रहा है कि इसमें जो आपको दिख रहे हैं ये सारे बॉक्स जो दिख रहे हैं, इसमें कौन सा मशीन है, कौन मशीन यूज कर रहा है, ठीक है, उसको हमें बताना है या लिखना है बॉक्स में। जैसे ये बच्चा है आपको दिख रहा है छोटा बच्चा, ये क्या है, फोन लिया है, हमने अभी पढ़ा कि मोबाइल फोन हमारे क्या होते हैं, मशीन होते हैं, तो इसको हम एम लिखेंगे। एंड अ गर्ल, गर्ल क्या है, पेंसिल दी हुई है। ठीक है, अब आप बताइए ये पेंसिल क्या है, ये पेंसिल मशीन है, नहीं मशीन नहीं है, थिंग्स है बट ये मशीन नहीं है। उसी तरह साइकिल क्या है, साइकिल क्या है, साइकिल भी आपकी एक मशीन है, इसको हम एम लिखेंगे। एंड आप देख रहे हो बेटा दो बच्चे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, बुक को रीड कर रहे हैं, तो क्या ये मशीन है, बुक नहीं, ये मशीन नहीं है। और ये इसमें क्या दिख रहे हैं, जैसे आप, आपकी मम्मी एंड आपके पापा, तीन लोगों, क्या आप लोग मशीन हो, हम मशीन हैं, नहीं है ना, इसको हम क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, बस उसी में हमको एम लिखना था जो मशीन है। अब हम अपने नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 5, सेकंड टॉपिक इज हाउ मशीन हेल्प अस, कैसे मशीनें हमारी हेल्प करती हैं। ओके बेटा, जैसे देखते हैं मशीन हेल्प अस इन मेनी वेज, मतलब अलग अलग तरह से मशीनें हमारी क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। जैसे मशीन मेक आवर वर्क इजियर, मशीन हमारे वर्क को, हमारे काम को आसान बना देती हैं। जैसे अगर हम कपड़ा देखें, इसमें क्या लिख रहा है, फिगर में कोई हैंड से कपड़े वॉश कर रहा है, और इसमें क्या है, वॉशिंग मशीन दिख रही है। अगर हम हैंड से कपड़े को वॉश करते हैं तो टाइम हमें ज़्यादा देना पड़ता है। ठीक है, यही काम, अगर यही कपड़े हम क्या वॉशिंग मशीन में क्या करते हैं, धुलते हैं, तो हमें टाइम कम देना पड़ता है। ओके बेटा, तो हम कैसे, हम आपको पता चल गया ना कि मशीन हमारे वर्क को कैसे आसान कर देता है। सेकंड हमारा है मशीन हेल्प अस टू डू आवर वर्क फास्टर, फास्टर मीन्स तेज, मशीन मशीन की हेल्प से जो हमारे वर्क होते हैं वो बहुत तेज होने लगते हैं। जैसे स्टिचिंग, स्टिचिंग मीन्स होता है सिलाई करना, कपड़े को सिलना, तो स्टिचिंग विद हैंड, अगर आप स्टिचिंग सिलाई आप कैसे करते हो, हैंड से करते हो, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। बट स्टिचिंग विद अ मशीन, अगर आप यही काम मशीन पर करते हो तो क्या होता है, आपको टाइम कम लगता है। एंड थर्ड हमारा क्या रहेगा, मशीन हेल्प अस टू सेव टाइम, मशीन हमारे समय को क्या करती हैं, बचाती हैं। हम देखते हैं कैसे, जैसे यूजिंग अ बुल इन द फील्ड, अगर हम बैल का यूज, बैल जानते हो आप, जानते होगे, अगर नहीं जानते हो तो ये देखिए फिगर में आपको दिख रहा है। ठीक है, ऐसे होते हैं बैल, और ये किसके काम में आते हैं, खेत को जोतने में। ठीक है, अगर हम ये काम, खेत को जोतने का काम बुल से करते हैं, किससे करते हैं, बैल से करते हैं, तो क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगता है। बट अगर हम इसकी जगह पर ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं अपने खेत को जोतने के लिए, तो क्या होता है, टाइम बहुत कम लगता है। ओके बेटा, अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 6। ठीक है, वी यूज मशीन एवरीवेयर, हम मशीन का यूज हर कहीं करते हैं। ठीक है, हर जगह करते हैं, जैसे सम मशीन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसमें से जैसे मशीनों को हम निकालते हैं, मशीन क्या क्या होता है,
कुछ मशीनें ऐसी होती है बेटा जो किससे चलती हैं, पेट्रोल है, डीजल से, और कुछ ऐसी भी मशीनें होती हैं जिसको ना लाइट चाहिए, ना ही पेट्रोल चाहिए, ना ही डीजल चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी मशीनें हैं जिसको चलने के लिए लाइट चाहिए, जिसको चलने के लिए डीजल पेट्रोल चाहिए एंड जिसको चलने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, आप देख लो ये लैंप है, ये कंप्यूटर है एंड ये फैन है, ये तीनों हमारे चलते हैं। किससे चलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिसिटी से। कह रहा है सम मशीन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, कुछ मशीनें किस पे चलती हैं? इलेक्ट्रिसिटी से, लाइट से, जो कि यहाँ दिख रही है। और भी चीज़ें हैं जैसे हमारे मोबाइल फोन हो गया, हमारा कंप्यूटर हो गया, आज जो आप प्रेस करते हो, ठीक है, कपड़े प्रेस करते हो, ठीक है, आयरन हो गया, ये सब चीज़ें क्या है? हमारी एक मशीन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। एंड सम मशीन रन ऑन फ्यूल सच एज पेट्रोल एंड डीजल। कह रहे कुछ ऐसी भी मशीनें हैं जो क्या करती हैं, किस पे चलती हैं बेटा? यार मतलब चलना किससे चलती हैं? पेट्रोल और डीजल से, जैसे मोटरसाइकिल, एरोप्लेन, ट्रैक्टर एट्सेट्रा एट्सेट्रा में आ गया आपका, टैक्सी आ गया, ओला आ गया एट्सेट्रा, चीज़ें आपकी किस पे चलती हैं? पेट्रोल एंड डीजल पे। ठीक है, एंड थर्ड हमारा है सम मशीन डू नॉट नीड इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल। कुछ ऐसी भी मशीनें हैं जिसको ना तो लाइट की ज़रूरत होती है ना ही पेट्रोल और डीजल की, जैसे सीजर, सीजर मीन्स कैंची, क्लॉक एंड बाइसिकल। ये सारी मशीनें ऐसी हैं बेटा जिसको चलाने के लिए ना ही इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है ना ही पेट्रोल एंड डीजल की। अब आप देखिए ये आपको ऐसे कुछ दिख रहा है, इसमें छोटे 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 रिंग है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? ये हमारा कंप्यूटर है, हमारा फर्स्ट कंप्यूटर क्या है? एबेकस, जिसका नाम क्या है? एबेकस। ये बॉक्स में दिया है एबेकस इज आल्सो अ मशीन। एबेकस क्या है? एक मशीन है। ठीक है, इट इज फर्स्ट इन्वेंटेड इन आवर इंडिया। ओके बेटा, क्या है ये कंप्यूटर? फर्स्टली हमारे यहाँ क्या किया गया था? इन्वेंट किया गया था। एंड ये बॉक्स आपको दिख रहा है, इट्स बॉक्स में आपको क्या एक व्हील दिख रही होगी, पहिया दिख रही होगी। द व्हील वॉज द फर्स्ट मशीन दैट वॉज मेड बाई पीपल। कह रहा है कि पहिया जो है वो पहली मशीन है जो हमारे यहाँ क्या की गई थी, बनाई गई थी हमारे यहाँ, मतलब हमारे भारत में, हमारे भारत में। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है कंप्यूटर इज ए स्मार्ट मशीन। कंप्यूटर कैसा मशीन है? एक स्मार्ट मशीन है। आप देखते हैं कैसे इसको हम स्मार्ट क्यों बोलते हैं। ठीक है भाई, इसमें कुछ तो ऐसी बात होगी जिसकी वजह से हम इसको स्मार्ट कहते हैं। स्मार्ट ऐसे सबको नहीं बोल सकते ना, जिसमें कुछ चीज़ें बहुत, मतलब जिसके अंदर टैलेंट ज़्यादा होगा उसी को हम क्या कहते हैं? स्मार्ट कहते हैं। जैसे अ कंप्यूटर इज आल्सो अ मशीन। कंप्यूटर भी क्या है? एक मशीन है। इट नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। जिसको काम करने के लिए, वर्क करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। जैसे आपको काम करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? न्यूट्रिएंट्स की, खाने की ना, वैसे ही कंप्यूटर को किसकी ज़रूरत पड़ती है? इलेक्ट्रिसिटी के काम करने के लिए। अ कंप्यूटर इज कॉल्ड ए स्मार्ट मशीन। ठीक है, अ कंप्यूटर क्या कहलाता है? स्मार्ट मशीन। अभी बहुत से मल्टी वर्कर्स काम करते हैं, जैसे इट वर्क वेरी फास्ट। कंप्यूटर हमारा बहुत ज़्यादा फास्ट काम करता है। इट सेव्स आवर टाइम। कंप्यूटर हमारा टाइम बचत करता है। इट डज नॉट गेट टायर्ड एंड बोर्ड। ये कभी थकता नहीं है। ठीक है, जैसे आप कोई काम करते होते आप क्या होते हो? थक जाते हो, लेकिन कंप्यूटर हमारा क्या है? कभी भी थकता नहीं है। इट कैन डू मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम। ये बहुत से काम को एक ही टाइम में क्या कर सकता है? कर सकता है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? मल्टी डायमेंशनल है कंप्यूटर हमारा। कैसा है? मल्टी डायमेंशनल है, जो कि एक साथ बहुत सारे काम को करता है। एंड इट कैन रिमेंबर मेनी थिंग्स। ये बहुत सी चीज़ों को क्या करता है? स्टोर, याद करके रखता है। आप जैसे हो, आपको अगर भी कोई चीज़ दे दिया जाए, ठीक है, तो आप क्या करते हो? अगर रिविजन नहीं करोगे दो तीन दिन में उसको भूल जाते हो, लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर को हमेशा सब चीज़ें याद रहती हैं। ओके बेटा, जैसे इट डज नॉट मेक मिस्टेक। कंप्यूटर हमारा कभी गलती नहीं करता है। आप गलती कर देते हो, जैसे आपको कोई सम दे दिया जाए, ठीक है, तो आप उसको जब ऐड करते हो, जोड़ते हो, तो क्या होता है? कभी कभी क्या होता है? मिस्टेक कर जाते हो। बट कंप्यूटर अगर उसको करेगा, सम को करेगा, तो कभी गलती नहीं करेगा।
ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 8। लास्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कितने टाइप होते हैं इसको हम देखते हैं। दीज आर आल्सो कंप्यूटर्स। ये सब क्या है? कंप्यूटर्स हैं। ट्रेस द डॉट टू नो दियर नेम। आप इसको ट्रेस करिए, मीन्स इसको पिन करिए, पॉइंट करिए, अगर आप इसको पहचानते हो। जैसे लैपटॉप, लैपटॉप आप देखते होंगे, आपके घर में होगा, आपको भैया या आपको पापा यूज़ करते होंगे, तो आप लैपटॉप देखे हो, तो आप इसको क्या करो, ट्रेस कर सकते हो कि हाँ मैं जानता हूँ। एंड टैबलेट, टैबलेट क्या होता है? ये कंप्यूटर से थोड़ा छोटा होता है, मोबाइल फोन से थोड़ा बड़ा होता है, तो आप इसको भी देखे होगे, अगर नहीं देखे हो तो देख लो, ऐसे होता है। ओके, तो इसको भी आप ट्रेस कर सकते हो कि हाँ आपसे पहले नहीं जानता था लेकिन अब मैं जान गया हूँ। एंड मोबाइल फोन्स आर आल्सो कंप्यूटर। मोबाइल फोन भी हमारा क्या है? एक कंप्यूटर है। ओके बेटा, तो ये आपके चारों टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। एंड इसके बाद आपका एक्सरसाइज कॉर्नर है। एक्सरसाइज है जो आपको पीडीएफ फॉर्म में, पीडीएफ में लिखी हुई है, इसको आपको प्रोवाइड कराया जाएंगे, ठीक है। और इसको आपको जितना भी मैंने रीडिंग कराया है,